टुडे लेक्चर इज ऑन ट्रांसफार्मर। ये हमारे पास प्राइमरी वाइंडिंग है, ये हमारे पास सेकेंडरी वाइंडिंग है। आपके पास जो सप्लाई एंड होता है, जहाँ से सप्लाई दी जाती है, उसके साथ जो वाइंडिंग अटैच होती है उसको हम प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं। तो ये प्राइमरी वाइंडिंग है आपके पास, ये हमारे पास लोड है। जो वाइंडिंग लोड के साथ कनेक्टेड होती है उसको हम सेकेंडरी वाइंडिंग बोलते हैं। आपके पास जो हमने सप्लाई दे रखी है, वहां से आपके पास करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है। तो ये करंट यहां से फ्लो करना स्टार्ट करेगा प्राइमरी वाइंडिंग से। जब ये फ्लो करेगा ये, तो आपके पास प्रॉपर्टी क्या है, जब कॉइल में से करंट फ्लो करता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, देखो इसका प्रिंसिपल क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रिक सप्लाई तो हम दे रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इसमें पैदा होगी। ये अब प्राइमरी और सेकेंडरी जो है मैग्नेटिकली कपल्ड है आपस में। अब यहाँ क्या हुआ, जब हमने करंट यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट किया है, उससे पहले अभी क्या होता है, ये ईएमएफ इंड्यूस होती है। ये ईएमएफ इंड्यूस होती है, तो आपके पास अभी बेसिकली हम क्या बात कर रहे हैं कि यहाँ पर ये जो करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ से सडनली क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पे भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। इसको हम E1 बोल देंगे, इसको हम E2 बोल देंगे। तो ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से आपके पास ईएमएफ इस साइड भी इंड्यूस हो जाएगी, और ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से इस साइड भी करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ वाले को हम I1 कह देंगे, इस साइड वाले को I2 कह देंगे। अगर इनकी डायरेक्शन देखी जाए तो लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुआ, वो उसी को ही अपोज कर रहा है। थैंक यू।